हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमकी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है और वो अपडेट ये है कि इस साल भी छात्र बिना एग्जाम्स के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कौन से छात्र ऐसे हैं जो बिना एग्जाम्स के अगले सेमेस्टर में अगले ईयर में प्रमोट होंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए। उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट जानकारी कहां से ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको न्यूज़ दिखाएंगे कि क्या न्यूज़ है, यानी कि यूजीसी की क्या रिपोर्ट है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे आप लोग यहां पे यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं, प्लस आप लोग यहां से अपने रिजल्ट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट भी देख सकेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं न्यूज की तरफ, आपको दिखाते हैं कि क्या न्यूज है और बताएंगे कि कौन से छात्र इस साल बिना एग्जाम्स के प्रमोट होने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं जो अमर उजाला पेपर की न्यूज़ है। यूजीसी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी छात्र अगले सेमेस्टर में बिना एग्जाम्स के प्रमोट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर हम आपको अमर उजाला की न्यूज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या न्यूज़ है। कोरोना महामारी के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के अगली कक्षा में प्रमोशन की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके अनुसार अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट्स के प्रमोशन का निर्णय विश्वविद्यालय ही कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, आपको प्रमोट करना है या नहीं, अब यह डिसीजन आपकी यूनिवर्सिटी खुद ले सकेगी। यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय अपने यहां के स्थानीय परिस्थितियों को देखकर परीक्षाएं कराने या विद्यार्थियों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। अब तक जो स्थिति है उससे ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी के बगैर परीक्षा की अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइंस को इसका आधार बनाया है। जी हां दोस्तों, यानी कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना एग्जाम्स के प्रमोट होने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है। और किस बेस पे प्रमोट होंगे, वो आपके प्रीवियस ईयर के बेस पे ही आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसा कि न्यूज में दे रखा है। यूजीसी का कहना है कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी होते हैं, उन्हें परीक्षा और शैक्षिक स्तर आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का अधिकार है। संक्रमण का प्रभाव देश को अलग अलग हिस्सों में कम और ज्यादा है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लगातार कुछ स्टेट्स में बढ़ रहे हैं तो कहीं पर थोड़े से कम है। तो ऐसे में जो छात्रों का प्रमोशन है उसमें काफी ज्यादा संभावना है कि बिना एग्जाम्स के ही छात्रों को प्रमोट किया जा सकेगा। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस साल कोई मानक गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। देश के विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आंकलन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। अंतिम वर्षीय परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराने पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला जून के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके जो एग्जाम्स हैं वो जुलाई अगस्त में हो सकते हैं, मगर अभी जो इस पे डिसीजन है वो आपका जून के फर्स्ट वीक में लेने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा इस टाइम बढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पे फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे ये बात बिल्कुल क्लियर है, बाकी सभी छात्रों को बिना एग्जाम्स के प्रमोट किया जा सकेगा क्योंकि अब जो डिसीजन लेना है वो यूनिवर्सिटी को लेना है, जैसा कि यूजीसी की रिपोर्ट में कहा गया है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।